नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल की। लेकिन आज हम बात करेंगे पावर बीआई, और ये पावर बीआई की लाइव 1-to-1 क्लास है, जिसमें एक अनस जी यूएस से ज्वाइन किए हुए हैं हमें, और उनको हम इंडिविजुअली क्लास देते हैं। तो आप भी हमारे साथ इसी तरह की ऑनलाइन क्लासेस, इंडिविजुअल क्लासेस ले सकते हैं। और क्लास लेने के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दे रहा है, इस नंबर पे मुझे कॉल कीजिएगा, हम इस पे आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए ध्यान से देखिए क्या पढ़ाते हैं। तो अनस जी, आज हम बात करेंगे कि पावर बीआई में कैलकुलेट फंक्शन की। कैलकुलेट फंक्शन मेजर्स के अंदर हम कैलकुलेट फंक्शन का यूज करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि मैं एक पिवट टेबल, एडवांस पिवट टेबल के क्लासेस शुरू कर रहा हूँ सर, ठीक है, जो कि एक सिर्फ एक वीकेंड पे होगा, सैटरडे एंड संडे, 12 से 3, 4 और 5 मई को, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट जो है डेटा एनालिटिक्स जो पिवट टेबल के लिए यूज की जाती है वो बात करेंगे, जिसमें हम सारे टेक्निक्स पिवट टेबल और पिवट टेबल जो मल्टीपल शीट्स पे, मल्टीपल फाइल्स में रिलेशनशिप, कैलकुलेशन करना, पावर क्वेरी जो पिवट का यूज होता है, इन सबों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए जस्ट आपको 1000 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो बताइएगा, हम सीट रिजर्व कर देंगे, क्योंकि 12 लोगों का सिर्फ सीट। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो यहां पे हम एक डेटा को लॉग करते हैं, कोई भी एक डेटा, एक काम करता हूँ बीआई डेटा देता हूँ उसी को। अब हम बात करते हैं कि हम कैलकुलेट का यूज क्यों करें, ठीक है, कैलकुलेट को समझना जरूरी है, समझिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए दो तीन चीजें जान लीजिए, मैं एक बार आदमी को बोला लोडो, यहाँ पे डेटा है, दिख रहा है डेटा आपको। अब मान लीजिए मुझे टेबल में डेटा चाहिए, टेबल में, तो मैंने टेबल में लिया और मुझे क्वार्टर वाइज डेटा चाहिए, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी आ गया। अब डेटा में आप चेक करेंगे यहां पे मेरा कि एक क्वांटिटी पर क्वांटिटी का ये 256 का हमारा सेल्स है, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इतने सारे हमारे डेटा है जिसकी बिलिंग, इतने सारे बिल्स है। तो मुझे ये चेक करना है, यहाँ पे सिंपल सा एक चेक करना है कि एक पर्टिकुलर बिल पे, एक बिल पे कितना अमाउंट जनरेट हुआ। तो क्या करेंगे, सम ऑफ अमाउंट बाय काउंट ऑफ बिल, ठीक है। देखिए ये तो एवरेज से भी निकल सकता है ना सर, अगर अमाउंट का एवरेज निकाल दे तो भी तो सेम करेगा। सेम अच्छा एक काम करते हैं, ये हमारा प्रॉफिट है, 41 प्रोडक्ट बेचने के बाद ये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो मुझे ये बताया कि एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट, सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ क्वांटिटी, राइट, ये होगा सर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेजर्स का एक काम करता हूं, इसको डिलीट मारूं। तो इसके लिए हम मेजर्स का कर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मेजर्स। तो मेजर्स में हम यहां पे गए न्यू मेजर्स, यहां पे प्रॉफिट पर पीस, ठीक है, 3 बार PP, प्रॉफिट पर पीस। अब यहां पे सिंपल सा हम करेंगे सम ऑफ प्रॉफिट, सम का फॉर्मूला लगाया एंड प्रॉफिट का, डिवाइड बाय सम का फॉर्मूला लगाया और यहां पे दे दिया हमने क्वांटिटी, ठीक है, एंटरप्राइज किया। अब अगर मैं कार्ड में, अगर कार्ड लो और इस कार्ड के अंदर अगर हम अपना इस जो पीपी ट्रिपल पीपी को डालूं तो बता देगा कि 125 रुपए का है प्रॉफिट, इसमें कोई कंडीशन ऐड नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं अपना यहीं पे अगर इसको रख दूं तो क्या लग रहा है, सबको 125 दिखाएगा, जी नहीं, हर प्रोडक्ट का अलग अलग दिखाएगा, मतलब यहां पे कंडीशंस लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे यहां पे दिखना होगा कि मुझे एक्सेस का चाहिए तो मुझे एक्सेस का फिल्टर करना पड़ेगा,
प्रोडक्ट यहाँ रखना होगा और यहाँ पे एक्सेस का फिल्टर करना होगा, तब बताएगा कि 125 रुपये 90 पैसा, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल्टर लगा। लेकिन मैंने फंक्शन में किसी तरह का कंडीशन दिया, सम इफ टाइप का नहीं दिया, बट यहाँ ऑटोमेटिक लग जाता है। क्लियर है? अब यही पे मान लीजिए कि अगर इस तरह का अगर फिल्टर में दिखाना है, टेबल में दिखाना है, दैट गुड, लेकिन मुझे अगर इस तरह के दिखाना है तो हर बार मुझे इसका फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा ना, और फिल्टर चेंज की जा सकती है। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई ऐसा बनाऊं जो कि सिर्फ एक्सेस का ही टोटल दे, जस्ट लाइक कि भी एक्सेल में लोग सम इफ का यूज करते हैं ना, जस्ट लाइक सम इफ। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम जाएंगे यहां पे होम पे मेजर्स। मान लीजिए मुझे यहां एक्सेल का टोटल चाहिए, राइट, यहां पे एक्सेल, और यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला कैलकुलेट का। किसका लगाएंगे? कैलकुलेट। कैलकुलेट में मैं यहां दूंगा अपना एक्सप्रेशन, मतलब कि कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में मैंने दिया सम। क्या दिया? सम। सम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहां पे सेलेक्ट कर रहे हैं क्वांटिटी, और यहां पे हम दे रहे हैं अपना जो भी मेरा फॉर्मूला है, मुझे प्रोडक्ट जो है वो यहां पे प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सेस होना चाहिए, एक्सेल होना चाहिए। ठीक है, और यहां पे कई सारे क्राइटेरिया दे सकते हैं आप, पहले एक क्राइटेरिया लगाकर दिखाता हूँ, फिर कई सारे क्राइटेरिया भी बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कार्ड लेता हूँ और इस कार्ड को एक्सेल में देता हूँ, तो 72 के आ गया, ठीक है, एक्सेल का। अब इसमें दूसरी क्राइटेरिया कि मुझे एमआरपी जो है 200 से ऊपर होना चाहिए, तो यहां पे हम दूसरा कंडीशन भी लगाएंगे कि एमआरपी इज ग्रेटर देन 200। अब यहां पे जो टोटल आएगा वो आएगा जो 200 से ऊपर की एमआरपी है। ऐसे तीसरा चौथा कंडीशन लगा सकते हो, बिल्कुल एक्सेल में यूज होने वाले सम इफ्स की तरह। क्लियर है डाउट इसमें? नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका यूज सिर्फ मेजर कैलकुलेशन के लिए किया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप के अंदर सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे सीक्वेंस में। क्या बोले सर? कैलकुलेट का फॉर्मूला जस्ट क्या करता है, मेजर्स मेजर्स के अंदर सम इफ की तरह, मैंने कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है। अब जैसे कि मुझे यहां देखना है कि हमको टोटल क्वांटिटी का, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी चाहिए, टोटल सम ऑफ क्वांटिटी चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो मैक्सिमम सेल है ना उसका चाहिए। मतलब कि हमने कार्ड के ऊपर क्वांटिटी, यहाँ पे मैक्सिमम रेट, हम यहाँ पे हमने क्या किया, मैक्सिमम एमआरपी को रखा रखा, और इसको सम के जगह पे मैं इसका मैक्स निकाल दिया कि सबसे हाईएस्ट मिनिमम कर दिया, सबसे हाईएस्ट जो है 400 रुपए का बिका है, तो मुझे ये पता करना है कि 400 रुपए की कितनी क्वांटिटी बिकी। अरे 400 तो बढ़ घट सकता है ना, डेटा के अकॉर्डिंग है। तो अगर नॉर्मल हम फिल्टर लगा दें, कल के डेट में 400 का बिलिंग आया, तो हर बार मुझे मैक्स चेक करके चेंज करते रहना पड़ेगा। अब यहां पे हम कैलकुलेट फंक्शन में चलिए क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे हम मेजर्स पे आते हैं, और मेजर्स में आने के बाद हम लिखते हैं कैलकुलेट। यहां पे मैक्स मैक्स यूट्यूबर, और यहां पे हम करते हैं कैलकुलेट कैलकुलेट।
कैलकुलेट, कैलकुलेट में एक्सप्रेशन है हमारा सम ऑफ क्वांटिटी, हमने ले लिया सम ऑफ क्वांटिटी। और यहां पे मैंने बोला कि एम आर पी इक्वल टू, अब यहां भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं मैक्स का, मैक्स एम आर पी। मैक्स एम आर पी एंटरप्राइज कीजिए, अब इसको कार्ड में रखिए। तो ये आपका 1645 क्वांटिटी ओवरऑल सेल हुआ है। लेकिन अगर इसको मुझे मान लीजिए अलग अलग कंडीशन, मैंने यहां पे तो दो कंडीशन दे रखा हो, दे रखा है, जी लेकिन मुझे प्रोडक्ट वाइज चाहिए तो कैसे करेंगे? ठीक है ना, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट का टेबल रखा और यहां पे मैंने ओवरऑल क्वांटिटी रखा और यहां पे मैंने अपना एमआरपी रखा। क्या रखा? एमआरपी, मैम एमआर, सॉरी, यहां पे मैंने अपनी एमआरपी को रखा और एमआरपी में मैंने यहां पे कर दिया मैक्सिमम, मिनिमम था मैक्सिमम। ठीक है, अब मुझे इस मैक्सिमम की क्वांटिटी चाहिए तो यहां पे मैक्स क्वांटिटी को रखिए। अब बोले से इसमें 1645 आएगा? नहीं। तो अगर आप टेबल में कोई कैलकुलेट की गई फील्ड को या नॉर्मल फील्ड को रखोगे तो वहां जो कैलकुलेशन जो यहां पर है इसके बिहाफ पे वो कैलकुलेशन खुद ब खुद कर लेगा। ठीक जी है ना, यहां पर हमने दो चीज कवर किया, एक थी कैलकुलेट फंक्शन कैसे लगाते हैं, दूसरा कैलकुलेट फंक्शंस के अंदर हम कंडीशंस में भी एक और फंक्शन दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे मैक्स कर दिया। क्लियर जी है? तो जी दिक्कत इसमें? नहीं सर, अब चलिए एक आता है डिवाइड का फंक्शन। ठीक है, मुझे परसेंटेज निकालना है कि ओवरऑल क्वांटिटी जो हमारा है, ओवरऑल क्वांटिटी को हमारा ओवरऑल क्वांटिटी मान लीजिए कि 72,000, 400 के हिसाब से 32, 228 हमारा सेल हुआ, तो हम यहां पे परसेंटेज निकालना चाहते हैं कि मैक्स क्वांटिटी का क्या कंट्रीब्यूशन है टोटल सेल। समझे? बात समझे कि नहीं सर? कि नहीं सर, एकदम अब यहां देखिए कि एक ए दिखा दिया कि 1645 क्वांटिटी सेल हुई, राइट। अब इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूं ओवरऑल क्वांटिटी का ताकि मुझे परसेंटेज दिख जाए ना, तो इसको हम यहां पे लिख सकते हैं सम, सम के अंदर क्वांटिटी, इसे क्या हो जाएगा? परसेंटेज आएगा। डिवाइड जीरो पॉइंट 34% का है। ठीक है, अच्छा इसको जो है हम ऐसे डायरेक्टली डिवाइड तो कर ही सकते हैं, यहां पे एक डिवाइड नाम का फंक्शन भी होता है, यहां पे लिखेंगे डिवाइड, डिवाइड में किसको करना है? तो इसको करना है, किससे करना है? तो हमने बोला कि सम ऑफ क्वांट। ठीक है, जी और एंटरप्राइज ठीक है। जी क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं सर, अच्छा एक होता है रिमूव फिल्टर का, रिमूव फिल्टर अगर अब जैसे कि यहां पे हमने एक नया टेबल पे आता हूँ समझाता हूँ। ठीक है, यहां पे मैंने कार्ड लिखा,
काट लिया, कार्ड के ऊपर हमने अपना क्वांटिटी डाल दी और फिर इसमें हमने स्लाइसर लगाया। स्लाइसर में मान लीजिए कि हमने ईयर डाल दी। अच्छा मैं करके देख रहा हूं, मैंने कभी इसका यूज किया नहीं है, ठीक है ना, दिमाग में एक नया आ गया है, अगर नहीं होगा तो प्लीज हंसिएगा नहीं। नहीं ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 2020, 2020 का रहा है 131 के, 2021 का रहा है। अब एक मेजर्स में आते हैं, न्यू ईयर्स में, यहाँ भी हम एस क्वांटिटी के नाम से बनाते हैं, इसमें देते हैं सम। सम के अंदर हम यहाँ पे रिमूव, अच्छा इसे कैलकुलेट ही देना, हमने कैलकुलेट दिया, कैलकुलेट कैलकुलेट के अंदर हम दिए सम ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी। अब यहां फिल्टर, यहां फिल्टर में मैंने दिया रिमूव, रिमूव फिल्टर, और रिमूव फिल्टर में मैंने दे दिया ईयर। अभी क्या करता है देखते हैं, ठीक है। अब हम यहां पे कार्ड लेते हैं और कार्ड के अंदर इस का नाम था एस्पान, तो बिल्कुल दोनों सेम आ रहा है फिलहाल। अब यहां से फिल्टर लगा, दिख रहा है सर? अच्छा बोले सर, एक है कि ये तो नॉर्मल मेजर्स पे भी हो जाएगा, तो नॉर्मल मेजर्स पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एन एन क्वांटिटी के नाम से करते हैं यहाँ पे सम, सम कर दिए, सम में हमने क्वांटिटी का सम कर दिया, राइट। अब यहां अगर मान लीजिए कि हम क्वांटिटी लेते हैं, एन क्वांटिटी लेता, आगे एन क्वांटिटी 487 के हैं, है ना। अब मैं यहां से ईयर 2020 करता हूं, चेंज हो रहा है? नहीं, अब जैसे आपने नॉर्मल सम लिया इसलिए चेंज हो रहा हो, तो चलिए इसको हम कैलकुलेट ऑप्शंस के अंदर चलते हैं, इस नॉर्मल सम को हटा के हम कैलकुलेट कर देते हैं, कैलकुलेट, और कैलकुलेट के अंदर हम कोई फॉर्मूला ये फिल्टर भी लगा देता हूं कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सल, ठीक है ना, ठीक। तो 72 के आ गया। अब यहां देख, हाँ सर, उसका चेंज हो रहा है एक्सल का, जी देखिए इसमें चेंज नहीं हो रहा। तो आप अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मेरा स्लाइसर जो है इफेक्ट ना करे मेरे डेटा को, तो क्या करेंगे आप? रिमूव फिल्टर। देखिए मुझे तो इस तरह कार्ड में नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए टेबल में, चार्ट में। देखिए चार्ट हम प्रोडक्ट वाइज लगा, तो यहां पे मैंने अपना प्रोडक्ट को रख दिया और यहां पे मैं अपना मान लीजिए एन क्वांटिटी, अब एन एस क्वांटिटी, ठीक है सर। अब यहां पे तो चेंज है सर, चेंज तो हो रहा है ना? हाँ चेंज तो हो रहा है। सर चेंज प्रोडक्ट हो रहा है, आप देखिए आपका ये चेंज हो रहा है, कोई फिगर चेंज हो रहा है, फिगर चेंज, हाँ वैल्यू चेंज, क्योंकि हमने फॉर्मूला तो वैल्यू पे लगाया है ना, इस पे तो ही लगाया हुआ है एक्सेस पे, समझे? प्रोडक्ट पे भी सेम उसी लग रहा है, तो प्रोडक्ट भी नहीं उसका जी। और ये काम और करते हैं ना, यहाँ पे हम ए ले लेते हैं और यहाँ पे ईयर देते हैं और ईयर के बाद यहाँ पे अपनी क्वांटिटी देते हैं, इस पर
सम ऑफ द ईयर आ गया, इसको उठा कर लेजेंड में रखते हैं। ये चेंज हो रहा है सर, ये चेंज हो रहा है, लेकिन ए यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, डेटा कोई चेंजिंग 87 के ही है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ मेजर्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमको यहाँ ऐसा फॉर्मूला ढूंढना होगा जो कि मुझे लिस्ट भी दे, तो देखेंगे आप। चलिए ठीक है जी। तो कैलकुलेट फंक्शन का यूज क्या होता है, नॉर्मल सम जी कंडीशंस ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग करने सम करते हैं, समझ में आएगा ना सर जी। अब इसकी एक आर्टिकल आपको भेज रहा हूं, आप इसको एक बार पढ़िएगा और खुद से इस्तेमाल। ओके एंड थोड़ा डेटा सॉरी डेटा तो इसको देखिए जाए वहां खुद वाला भी होता है, जो डेटा भेजा उसी पे काम करता हूँ, हर दिन अलग डेटा यूज करता हूँ। हाँ बी आई टेबल करके डेटा शायद भेजा होगा आपको, मैं दोबारा भेज देता हूँ वो दिक्कत। ओके